और आइए अब बात कर लेते हैं तेल के दामों में हुई कमी की। 14 राज्यों में 5 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। दरअसल 1.5 रुपए तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, 1 रुपया तेल कंपनियों ने कम कर दिया और 2.5 रुपए केंद्र के कहने पर बीजेपी शासित राज्यों ने कम कर दिए। लेकिन अब तेल के इस खेल में कई टर्न एंड ट्विस्ट हैं। कहानियां देखिए जरा। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज है उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को ज्यादा दिन नहीं हुआ ये कहे। अभी 10 सितंबर की तो बात है जब रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करना उनके हाथ में नहीं है, यानी सरकार के हाथ में नहीं है। तो फिर सवाल है कि एक झटके में सरकार ने 5 रुपए दाम कैसे घटा दी। दरअसल खेल ये है कि पेट्रोल के दामों पर चुनाव का कंट्रोल है। जब चुनाव आता है तब सरकारें दाम कम कर देती हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान भी यही हुआ था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना बंद हो गए थे और अब धीरे धीरे जनता को भी ये बात समझ आने लगी है कि तेल का खेल चुनावी फंडा है। तो ये है कि अभी इलेक्शन है, इस वजह से ये कम कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो राहत है। हमने तो ये देखना है कि हमें राहत मिल रही है। चुनावी फंडा ही है और हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हमको 5-7 रुपए से कोई फर्क नहीं है। हमको मेनली ये चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ यहाँ करके दिखाए। देखिए, अब तक राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले कम थी, लेकिन अब दूसरे राज्यों ने दिल्ली से भी कम कर दिए। नतीजा क्या हुआ आप देखिए। ये अपने आप में बेहद दुर्लभ तस्वीर है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि राजधानी दिल्ली से ज्यादा सस्ता तेल यूपी के नोएडा में मिल रहा है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 81.50 रुपए प्रति लीटर है, तो नोएडा में 1 लीटर पेट्रोल 79.08 रुपए लीटर है। यही हाल डीजल का भी। डीजल दिल्ली में करीब 73 रुपए का है, तो यूपी में 71 रुपए में ही 1 लीटर डीजल मिल जा रहा है। आलम यह है कि तेल के इस खेल में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। पहले दिल्ली बॉर्डर से सटे इलाके यानी नोएडा या गाजियाबाद में रहने वाले लोग दिल्ली सस्ता तेल भराने जाते थे, लेकिन अब दिल्ली के लोग सस्ते तेल के चक्कर में यूपी आ रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कहने पर बीजेपी शासित राज्यों ने दाम घटा दिए, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नहीं घटाए। पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कई सारे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी तरफ से वैट नहीं कम किया, यानी इन राज्यों में अब भी 2.5 रुपए ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए, उन्होंने भी उनके तरफ से 2.5 रुपए घटाया है। क्या बंगाल सरकार को भी कमाना चाहिए? बिल्कुल कमना चाहिए ना। जबकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ तेल के दाम 5 रुपए कम हो गए हैं। और देर शाम बीजेपी के गठबंधन वाले बिहार की नीतीश सरकार ने भी तेल के दाम घटा लिए। बिहार सरकार ने पेट्रोल डीजल से 4% वैट कम कर लिया, जिसके बाद बिहार में पेट्रोल 2.52 रुपए सस्ता हो गया, जबकि बिहार में डीजल 2.55 रुपए सस्ता हो गया। तो मोदी सरकार ने तेल की कीमतों में 1.5 रुपए कम करके वाहवाही तो लूट ली, लेकिन सच्चाई है कि इसी सरकार ने तो तेल के दाम को आसमान पर पहुंचाया है। क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब तक 9 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। मोदी सरकार ने साल 2014 में 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, फिर 2015 में एक्साइज ड्यूटी को 4 बार बढ़ाया गया, 2016 में भी एक्साइज ड्यूटी में 3 बार इजाफा किया गया, और ऐसे करते करते केंद्र सरकार ने 12 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जबकि सरकार ने सिर्फ 2 बार ही एक्साइज ड्यूटी घटाई, 2017 में 2 रुपए और 2018 यानी अब 1.5 रुपए घटाया है, यानी कुल बढ़ाया 12 रुपए और घटाया सिर्फ 3.5 रुपए। ऐसे में जनता को राहत कैसे मिली? तेल का खेल फिलहाल मास्टर स्ट्रोक में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से भले ही 5 रुपए दाम घटा दिए गए, लेकिन कल से मान लीजिएगा तेल कंपनियों ने फिर से वही 10-15 पैसे कर के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए, तो फिर तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में दाम एक बार फिर से बढ़कर वही हो जाएंगे। और ये बात तो खुद बीजेपी के सांसद की जबान पर भी आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ बढ़ोतरी जब तक नहीं रोकी जाएगी तब तक इस घटोतरी का लाभ नहीं मिलेगा, वरना अगर बढ़ोतरी उधर चालू रही तो जो हमने घटोतरी करी है ये धीरे धीरे करके 10-15 दिन के अंदर फिर उसी कीमत में पहुंच जाएगा। तो हमें बढ़ने वाली कीमत के ग्राफ को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना चाहिए। वो कैसे होगा ये तो सरकार का कदम है। ये है ABP News।
आपको रखे आगे।